नागरिकता कानून के बहाने यूपी को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रचने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई केंद्र सरकार के रडार पर है। गृह मंत्रालय पीएफआई की सिमी के साथ संबंधों की जांच कर रहा है। सिमी एक आतंकी संगठन है जो देश विरोधी गतिविधियों की वजह से पहले ही प्रतिबंधित है। पीएफआई की बहुत भूमिका आ रही है सामने में, तो होम मिनिस्ट्री इस बारे में सबूत देकर तय करेगा। उनके खिलाफ बहुत मर्डर और किडनैपिंग के आरोप हैं, वो उनका और सिमी का अंतरंग संबंध है। इस बारे में कुछ भी निर्णय होम विभाग के द्वारा किया जाएगा। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने बुधवार को दावा किया था कि पीएफआई सिमी का ही रूप है और इसकी फंडिंग आईएसआई कर रही है। इस खुलासे के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएफआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। अगर देश के विरोध में गतिविधियां चला रहा है या चलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई मजबूती के साथ और कड़ाई के साथ होना ही चाहिए। उधर राष्ट्रहित से जुड़े इस मामले पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हिंसा का ठीकरा अब बीजेपी और यूपी सरकार के सिर पर ही फोड़ रही है। सबके बारे में करिए ना, श्री संगठन है ना यहाँ महाराष्ट्र में, ये है ना अपना सनातन संगठन, उनका क्या रोल है? वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराए तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए इस आंदोलन को हिंसा का रूप दिया है। इस सियासी खींचतान के बीच पीएफआई ने सफाई देते हुए कहा है कि संगठन ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उन पर बैन लगी। पॉपुलर फ्रंट को बैन करें, ये धमकियां हैं और हम मानते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हमें बैन कर सके। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि वायलेंस में पॉपुलर फ्रंट शामिल था, कोई भी सबूत आज तक सामने नहीं आया है। हालांकि पीएफआई के दावों के विपरीत यूपी पुलिस ने आपराधिक मामले में शामिल होने के आरोप में पीएफआई के 25 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी राज्य के अलग अलग हिस्सों से हुई है। बहरहाल सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि पीएफआई का खेल खत्म होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईआईटी कानपुर में उर्दू के मशहूर शायर फैज अहमद फैज की हिंदू विरोधी नज्म को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर ने शिक्षकों की एक जांच कमेटी बनाई है जो इस बात की पड़ताल कर रही है कि आईआईटी कानपुर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध मार्च के दौरान गाई गई फैज अहमद फैज की नज्म हिंदू विरोधी है या नहीं। लेकिन बॉलीवुड के गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने इस पूरे विवाद को ही बेतुका बताया है। जावेद अख्तर ने कहा है कि फैज की किसी बात को या उनके शेर को हिंदू विरोधी कहा जाए, ये इतना फनी है कि इस पर सीरियस होकर बात करना मुश्किल है। उसमें किसी ने एक वर्ड पॉइंट आउट भी किया है कि साहब इसके क्या मतलब है, गूंजेगा अनल हक का नारा। ये अनल हक का मतलब क्या है? अनल हक का मतलब है अहम ब्रह्म। ये इस्लामिक थॉट नहीं है, ये सूफीज ने शुरू किया था। दरअसल पिछले दिनों आईआईटी कानपुर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ छात्रों ने एक जुलूस निकाला था जिसमें फैज की नज्म हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे की चंद लाइनें गाई गई थी। इसके बाद कैंपस के कुछ छात्रों और फैकल्टी सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए इस नज्म को हिंदू विरोधी बता दिया था। जावेद अख्तर ने दावा किया कि फैज ने ये नज्म पाकिस्तान की कट्टरपंथी जियाउल हक की सरकार के खिलाफ लिखी थी। कि वो बरसों तक तो हिंदू पाकिस्तान से बाहर रहा और ये पोएम जिसका जिक्र आजकल हो रहा है, ये पोएम लिखी थी फैज ने जियाउल हक की सरकार के खिलाफ, जो कि फिर वही कम्युनल और रिग्रेसिव और फंडामेंटलिस्ट सरकार थी। यानी पाकिस्तान में भी जो रिग्रेसिव कहलाए और फंडामेंटलिस्ट कहलाए तो वो कितना फंडामेंटलिस्ट होगा, आप सोचिए। जियाउल हक पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नागरिकता संशोधन कानून जिसे भारत की चुनी हुई संसद में पास किया, जिस पर देश के चुने हुए राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, क्या उस पर विरोध जताने के लिए सरकार की तुलना पाकिस्तानी तानाशाह से करना जायज है? क्या ये ओछी मानसिकता नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते ही जनरल बिपिन रावत ने यह साफ कर दिया है कि भारत में थिएटर कमांड्स बनाए जाएंगे ताकि जंग के दौरान दुश्मन को पस्त करने के लिए रणनीति आसानी से तैयार की जा सके। थिएटर कमांड्स की दरकार युद्ध के दौरान तब पड़ती है जब तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। जंग के दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए ये कमांड बेहद उपयोगी होता है। यहाँ तैयार रणनीतियों से दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साथ लाकर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात हो रही है। लेकिन ये सब अपने तरीके से होगा, भारत इसके लिए पश्चिमी देशों की नकल नहीं करेगा। I think there are methods of doing theatrization. I think we all are copying Western methods and what others have done. We can have our own systems. We will work out our mechanisms through understanding with each other, and I think it can work. फिलहाल भारत में एक थिएटर कमांड मौजूद है। इसे साल 2001 में अंडमान निकोबार में स्थापित किया गया था। वहीं अलग अलग सेनाओं की बात करें तो भी तीनों सेनाओं के अलग अलग 17 कमांड्स हैं। थल सेना और वायुसेना के पास साथ साथ, जबकि तीन नौसेना के पास। भारत के पास एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी है जो परमाणु शस्त्रागार को सुरक्षा देता है और उसे संभालता है। अब नई रणनीति के तहत देश के पास जो मौजूदा 17 कमांड हैं, उन्हें मिलाकर 6 थिएटर कमांड बनाने पर विचार किया जा रहा है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जोर अव्वल तीनों सेनाओं के इंटीग्रेशन पर होगा। सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो है उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। ये मकसद है जो CDS को जिस तरह से टास्क दिया गया है। थिएटर कमांड ये तय करेगा कि तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बना रहे और वो एक साथ काम करने को तैयार रहे। इस तरह का कमांड बनाने से कम खर्च होगा और बचत होगी, क्योंकि संसाधनों का माकूल और सटीक इस्तेमाल हो सकेगा। बहरहाल माना जा रहा है कि